YouTube चैनल। सो गाइस आज थोड़े नए जगह से ब्लॉग आ रहा है और अब से ब्लॉग यहीं से आएगी थोड़े दिनों के लिए समझ सकते हो। तो मैं शिफ्ट हो चुका हूँ और शिफ्टिंग का ब्लॉग भी मुझे बनाना था लेकिन तभी तबीयत ख़राब हो गई तो ब्लॉग कुछ बनाया नहीं था अभी। लेकिन आज मैं जा रहा हूँ घूमने, यानी आज मैं जा रहा हूँ ट्रैक पर। अब मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, बैटरी वाले का। तो हम जा रहे हैं रायगढ़ देखने, मतलब मैं पहले भी देख के आया हूँ लेकिन मेरे साथ चिन्मय है जो कि फर्स्ट टाइम जा रहा है रायगढ़। और लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, हम जा रहे हैं रायगढ़ एक्सपीरियंस करने, बिकॉज इससे पहले जब मैं बचपन में गया था तब हम रोप से गए थे, इस बार हम ट्रैक करके जाने वाले। सो इस वीडियो में देखते हैं ये एक्सपीरियंस कैसा होगा। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं फिर, क्योंकि ये वीडियो में ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, हमें आपको रायगढ़ दिखाना है। तो चलो मैं लेट हूँ लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है, दुबई यहाँ की जो लिफ्ट है ना जादुई लिफ्ट है। कैसे जादुई लिफ्ट है मैं आपको दिखाता हूँ, लिफ्ट तो आने दो। चिन्मय इज हियर, देखा है जादू की लिफ्ट, जादू का। तो लगभग से सुबह 6 बजे हमारे कोऑर्डिनेटर ने हमें इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस बताए एंड देन विद जय भवानी जय सर वी स्टार्टेड। सो रायगढ़ 820 मीटर्स अबो सी लेवल के हाइट पर बसा स्वराज का कैपिटल, लगभग से 14 साल लगे इस फोर्ट को बनने में। इस फोर्ट पर 350 इमारतें, 11 पानी के तालाब और 84 पानी की टंकी आपको दिखने मिलेगी। हीरोजी इंदुरकर वॉज द इंजीनियर हु बिल्ड दिस फोर्ट, और ये नाम याद में रखना क्योंकि आपको इससे एक कहानी आगे सुनने मिलेगी। तो हम लोग बारिश में भीग के ट्रैक कर रहे और नजारा बहुत ही मस्त है, पूरा कोहरा ही कोहरा। और ये घने कोहरों में आप हालत देख सकते, एकदम खराब हो गई है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जहाँ पर आया, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। तो चलो चलते आगे, अभी तो आपको बहुत दिखाना है, हालत पे मत जाओ, आप आओगे तो ऐसी होगी। सो गाइस हमें वहाँ पे जाना है, आप देख सकते हो सामने और सनराइज हो रहा है अभी और हमें लगता है कि हाफ वे आ गए हम। कट, हाफ वे, वी आर ऑन द हाफ वे। 20 मिनट हम हमारे पुराने ट्रक का एक्सपीरियंस यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बस एक ही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे वैसे इतना थकने नहीं हो रहा है क्योंकि नेचर इतना मस्त है ना, मतलब पिछले बार, हाँ मतलब पिछले बार हम लोग गए थे तो धूप था तो हमारे मतलब पूरा खराब हो गया। और एक ऐसा है कि यहाँ पे हमें चढ़ने के लिए मोटिवेशन है बहुत, ये हमें पता है ऊपर जाके हमें मतलब जिस काम के लिए आया ना वो अच्छे से होने वाला है। पिछले बार वो और वैसे हुआ नहीं, लेकिन ठीक है पिछले यादों को पिछले के लिए रखते हैं, अभी फिलहाल के लिए आगे पे फोकस करते हैं, नए यादें बनाने। और व्यू मतलब यहाँ से आपको नहीं होगा, मतलब यार फोन में से मैं कितना भी दिखाऊँ ना नहीं दिखेगा, आपको खुद यहाँ पर आके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मतलब पता है मैं जब सुबह उठा ना तभी भी मैंने देखा कि जो चीज़ें आंखों से दिखती है ना वो कैमरे में दिखती ही नहीं है, और आंखों से देखोगे तो उसके अलग मजे। लेकिन उसके पहले ये देख लो, यानी आपको पता चलेगा कि ये जगह है कैसी। चलो फिर आगे, 10% थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाएगा। हाँ हम उतना सुंदर बनाए देख रहे, मतलब सुंदर तो है ही, तो थोड़ा टचअप हम लगा देंगे, जो वीडियो की वजह से ड्रॉबैक होगा ना वो आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे पानी का वाटरफॉल मिलता है और चिन्मय अभी पानी पीने की कोशिश में। कम ऑन ब्रो, प्रसाद
छिन्मय को बहुत प्यास लग रही है यहाँ पर आके, पानी ही पानी पी रहा है। वैसे हम चल रहे थे, मतलब चल रहे हैं और बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन अभी जो हमें दिखा है ना सामने, माय गॉड, ऐसा हमारा रिएक्शन निकला है, देखना आपको। हाँ, मतलब शब्द ही नहीं निकले मुंह से, देखना है बस दिखा वो खुशी। हाँ ऑन द वे, सामने देख सकते हो, कितना 5 मिनट 10 मिनट कंप्लीट, मतलब ऊपर आके कंप्लीट हो गया, हो गया समर महादरवाजा। हाँ बट महादरवाजा आला ना, तिथून मेन किल्ला चालू होता, तो मतलब वी आर ऑन द मेन डोर महादरवाजा। चलो व्हाट हैपेंड ब्रो, चलो थक गया सच्ची। फर्स्ट रिएक्शन होगा महादरवाजा। तो 60 से 70 फीट ऊंचा रायगढ़ फोर्ट का एकमेवा एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। दरवाजा को देख के आपको उसकी मजबूती के बारे में तो पता चल ही गया होगा। और दरवाजे से याद आया, आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मतलब आप सुनिए तब तक हम ऊपर जाते हैं। तो ये कहानी थी यहाँ के हिरकनी पूछ की, जो कि इस फोर्ट का एक पॉइंट है। Come on, bro. खाली उसका पीठ दुख रहा है, खाली पीठ दुख रहा है पीठ। हाँ चलो चलो। तो दिस वाज आवर फर्स्ट स्टॉप जहाँ पर मैं बैठा, ये नहीं बैठा, पानी पी रहे थे। और अभी क्लाइमेट अचानक से चेंज हो गया, मतलब धूप आ रही थी और अभी देखो जाने वाले और ऊपर ये ना दादा। हाँ ऐसे बोल के हम हमारे ड्रॉबैक बताए कि हमारा वजन बढ़ गया लॉकडाउन बहुत कुछ ज्यादा। हाँ। अरे अरे एक दो साल पहले कोई भेजता भी नहीं हमने। हाँ बट मजा है, बारिश में आओ, क्लाइमेट अचानक से चेंज हो हर जगह पे, कोहरा ही कोहरा है। तो ऐसे हंसते हंसते हम पहुंचे एलिफेंट टैंक की ओर, मतलब ये हाथी तालाब है, ये पानी आपको मैं भी दिख रहा नहीं होगा, देखो यहाँ से देखो। हाँ
तो हाथी तालाब यानी कि एलिफेंटाइन। तो ये तालाब का यूज़ होता था यहाँ के हाथियों के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछूँ, इतने ऊपर हाथी आए तो आए कैसे? वैसे मुझे पता है, आप कमेंट्स में बताइए। तो हाथी तालाब से थोड़ी आगे चलने के बाद हमें देखने मिलता है शिरकाई देवी का टेम्पल। ये टेम्पल छोटा सा ही है लेकिन बहुत पुराना टेम्पल है और यहाँ से होती है फोर्ट की शुरुआत। ये अब भी बनाया हुआ है, टूट गया, बट वॉच दिस, पहले बनाया है, अभी तक वैसे का वैसा है। दिस इज द पावर ऑफ आवर हिस्ट्री, ऑफ आवर पास्ट और इंजीनियरिंग और आवर कल्चर। फिलहाल था हम नाम के ही दोनों, लेकिन उस वक्त के डेडिकेशन था उनमें उतना बहुत, इसलिए इतना अच्छा ये बना है। और एक बात हम लोग ने अभी जानी नीचे कि ये बनाने के लिए गुड़ यूज हुआ है और चूना मराठी से वर्ड ही पता नहीं, जैगरी या कैल्शियम कार्बोनेट, राइट दैट यू आर, तो उससे बनाया हुआ है। तो सीमेंट कंक्रीट से भी अच्छा है, देखो अब तक इसका पैर टूटेगा लेकिन ये नहीं। और ऊपर आ गए, मतलब ऐसा है कि थोड़े डिस्टेंस पे भी हम लोगों को दिख रहा नहीं आगे का। और इसी कॉरिडोर से चलते चलते हम पहुंचे आगे गुलिसा मार्ग। तो होली समाज ये जगह यूज होती थी होली खेलने के लिए, शिवाजी महाराज खुद यहाँ पर आके होली खेलते थे। फॉग बहुत है यहाँ पे, बहुत, ये शायद से बाल किला है या फिर राजवाड़ा है, वेट मैं कंफर्म करके आपको बोलता हूँ। और देखो ना क्या सही लग रहा है, पीछे के कैमरे से दिखा था। सो ये है राजवाड़ा का दरवाजा, मतलब दरबार का दरवाजा, बट मैं इसे कहूँगा डोर टू हेवन ब्रो, बिकॉज फॉग की वजह से दरवाजे के उस तरफ क्या है ये तो हमें जरा भी दिखता नहीं है। और डोर के अंदर एंट्री देने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप सीधा स्वर्ग में ही पहुंच गए। तो डोर टू हेवन, और हेवन में लेके आया डोर हमें, ये राजवाड़ा है। और ये आप पीछे देख सकते हैं यहाँ तक छत्रपति शिवाजी महाराज का हवा है बहुत, तो आवाज आ रहा है क्या नहीं इसका थोड़ा डाउट है। और इस गढ़ में सबसे इम्पोर्टेंट जगह ये, और ये पूरा राजवाड़ा है, यहाँ पे सारे सभा होते थे और सारी मीटिंग्स वगैरह यहाँ पे होती थी। तो ये है राजवाड़ा, अब राजवाड़ा है तो सिंहासन तो हो गए। थोड़ा फॉग कम हुआ है और मार्केट है वो सामने, थोड़े टाइम पहले दिख रहा नहीं था ना, अभी दिख रहा है अच्छे से। तो ये मार्केट, भाजी कैसी दिली? 10 रुपए पाव किलो, 10 रुपए मांगे हो जाम, ठीक है 5 रुपए, ठीक है 5 पत्तला काटूंगा। हम लोग उस युग में जीने का ट्राई कर रहे हैं। और ये मार्केट का हाल फिलहाल ऐसा है कि जब मतलब पूरा खत्म हुआ था ना, उसका याद पे जो ये थे ऊपर सागवान लकड़ी रहते ना, उसका इसका छत था, लेकिन वो फिर लोगों ने कुछ लोग लेके गए, कुछ जल गए, ऐसे करके फिर वो पूरा खराब हुआ। लेकिन जो पत्थर का कंस्ट्रक्शन किया था ना वो अभी तक सही है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग मार्केट से निकल गए, पावर बैंक के फ़ोन की चार्जिंग कम हो गई, लेकिन मतलब हम लोग मार्केट से निकल के मंदिर जगदीश्वर टेम्पल। तो दूर से देखने पर ये आपको टेम्पल नहीं लगेगा क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा बनाया गया है। और रायगढ़ फोर्ट पर जगदीश्वर टेम्पल एक ऐसा पॉइंट है जो कि पूरी तरीके से अच्छे कंडीशन में मेंटेन है। तो गाइस धीरे 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 नहीं, बहुत जोर से अभी बारिश आने चालू हो गई और हम लोग ने मंदिर देखा। और इसके पीछे मंदिर के बिल्कुल पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको एक नाम याद में रखने कहा था, हीरोजी इंदरकर। रायगढ़ फोर्ट का काम पूरा होने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज से जमीन जायदाद सोना ये सब ना लेते हुए भेंट में बस एक नाम की पार्टी जगदीश्वर मंदिर के सीढ़ी पर मांगी।
ताकि जब जब राजे मंदिर आए उनकी चरणों की धूल हमेशा मेरे नाम पर रहे। ये गढ़ जितना बड़ा है उतनी बड़ी इनकी कीर्ति। रायगढ़ एक दिन में देख पाना मुमकिन नहीं, पर जितना हमने देखा, जितना हमने सुना, जितना हमने जाना, इसके लिए हम जरूर खुश नसीब है जो यहाँ आए। Are you all my personal dreams?